गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल विधि का अध्ययन करेंगे। कल हमने नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला HNO3, कल हमने पढ़ा था वर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस, आज उसी तरीके से पढ़ेंगे ओस्टवाल प्रोसेस। ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया, सबसे पहले हम इसका सिद्धांत पढ़ते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। सिद्धांत, फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से हम इसका निर्माण करेंगे। अमोनिया से क्या है, 4NH3 प्लस 5O2 एरो प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 850 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच इस रिएक्शन को कराया जाता है और यहां से 4NO मिस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस इसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल H2O के प्राप्त होते हैं। कल आपने वर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस पढ़ा था, उसमें आपको याद आ जाएगा N2 प्लस O2 रिवर्सिबल 3500 डिग्री सेंटीग्रेड और आप यहां पर बना था 2NO, तो ये क्या बना था, नाइट्रिक ऑक्साइड। और उस नाइट्रिक ऑक्साइड ने H2O के साथ रिएक्शन किया था और उस H2O O2 के साथ रिएक्शन किया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया था और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने पुनः H2O के साथ अभिक्रिया की थी और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया था। इसका मतलब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहां तक का प्रोसेस हमें मिल गया। तो अब उसके बाद क्या है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम जैसे कल किया था, सब सिमिलर है, केवल एक रिएक्शन आपको डिफरेंट लर्न करनी है। आपने रिएक्शन कराई थी 2NO प्लस O2 एरो 2NO2, बिल्कुल सेम रिएक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही आज प्राप्त होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था, जो ये NO2 था इसकी रिएक्शन H2O के साथ कराई थी, तो 2NO2 प्लस H2O एरो HNO3 प्लस HNO2 ये आपने बनाया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसमें भी बनेगा, मिस नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, ये दोनों रिएक्शन सेम। उसके बाद नाइट्रस एसिड के तीन मॉलिक्यूल 3HNO2 जो है वो HNO3 प्लस 2NO प्लस साथ में H2O में ब्रेक हो गए थे, तो सेम उसी तरीके से होगा लिखने का तरीका, प्रिंसिपल फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 850 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, इस विधि को ओस्टवाल्ड विधि कहते हैं। अब नेक्स्ट सेटिंग होगा हमारा मेथड, मेथड क्या है, तरीका क्या है। तो मेथड में इसमें सबसे पहले एक चेंबर होगा, इसमें प्लैटिनम की जालियां लगी रहेंगी, प्लैटिनम की जो कैटेलिस्ट का कार्य करेंगी, इस कारण इस चैम्बर को कैटेलिस्ट चैम्बर या टावर बोलते हैं। यहां से जो है 4NH3 प्लस 5O2 मीन्स 4:5 में
ये गैसें मिश्रण प्रवाहित किया जाएगा और इसका ताप 850 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस ताप पर जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो यहां पर रिएक्शन होगी 4NH3+5O2 PT और यहां से बनेगा 4NO+6H2O, जल वाष्प के रूप में प्रवाहित हो जाएगा और यहां से हमें प्राप्त होगा N। इसके आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। उसके बाद आपने लगाए थे सल्फ्यूरिक पाइप, नहीं उसके बाद है सॉरी, उसके बाद लगाएंगे हम नेक्स्ट जो होगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, बिल्कुल सेम पहले कल की तरह। ये एक आक्सीकारक कक्ष है, इसमें O2 उपस्थित रहती है और नीचे से NO आ रही है, तो NO2NO+O2 Aro 2NO2 यहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी। इस चैम्बर का नाम है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर या टावर, कल भी इसका नाम यही रखा था। उसके बाद आपको याद होगा कि एब्जॉर्प्शन टावर में चला गया था, इसके बाद नेक्स्ट इसमें जुड़ा रहेगा एडजॉर्प्शन टावर, एडजोर्सन टावर के बारे में आपको पता है कि यहां से ऊपर से जल फवारे के रूप में टपकता रहता है और इसमें क्वार्ट्स के टुकड़े, इस पत्थर के टुकड़े भरे रहते हैं और यहां से आ रहा है NO2। जब NO2 ये H2O है, H2O के कांटेक्ट में आएगा तो आपको पता ही है NO2 जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो 2NO2+H2O और यहां से HNO3+HNO2, तो यहां नीचे HNO3 आ जाएगा और यहां से HNO3 प्राप्त हो जाएगा। HNO2 के बारे में आपको बता रखा है नाइट्रस एसिड जो है वो पुनः NO और H2 में अपघटित हो जाएगा। तो ये इस टावर का नाम है एडजोर्प्शन टावर या चैम्बर। तो आप देख रहे हैं तीनों में कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, तो सेम कल जैसा ही प्रोसीजर है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लिखेंगे कैसे मेथड? ओस्टवर्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण निम्न प्रकार किया जाता है। नंबर 1, फर्स्ट हैंडिंग होगा कैटेलिस्ट चैम्बर या कैटेलिटिक चैम्बर भी बोल देते हैं, उत्प्रेरक कक्ष या उत्प्रेरण कक्ष। इस कक्ष में प्लेटिनम की जालियां लगी रहती हैं जिनका ताप 850 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कर दिया जाता है और इस चैम्बर में के निचले कक्ष निचले सिरे से अमोनिया तथा ऑक्सीजन के 4:5 के गैसीय मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है, जो इस ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रिक ऑक्साइड में अब परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को इसके ऊपरी सिरे से आक्सीकारक कक्ष के निचले सिरे में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया निम्न है और ये वाली रिएक्शन लिख देंगे 4NH3+5O2 Aro PT4NO+6H2। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, आक्सीकारक कक्ष। आक्सीकारक कक्ष में हम लिखेंगे इस कक्ष के निचले सिरे से NO को या उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तथा इस कक्ष में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के संपर्क में आकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिस NO2 को पाइप की सहायता से इसके ऊपरी सिरे से अधिशोषण कक्ष के निचले सिरे में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस कक्ष में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, तो रिएक्शन लिख देंगे 2NO+O2 Aro 2NO2। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा लास्ट हेडिंग एडजोर्प्शन चैम्बर। एब्जॉर्प्शन चैम्बर मीन्स अधिशोषण कक्ष। अधिशोषण कक्ष में के निचले सिरे से आक्सीकारक कक्ष से प्राप्त NO2 को प्रवाहित किया जाता है तथा इसमें क्वार्ट्स के टुकड़े भरे रहते हैं तथा ऊपर से जल फवारे के रूप में टपकता रहता है। और इस कक्ष में जब NO2 H2O के संपर्क में आता है तो वो नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रस अम्ल पुनः नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इसके निचले सिरे में नाइट्रिक अम्ल एकत्र हो जाता है जिसे आउटलेट की सहायता से टैंक में एकत्र कर लिया जाता है। इस प्रकार इस और तथा वेस्ट गैसेस, जो वेस्ट गैसेज हैं वो
इस कक्ष के ऊपरी सिरे से बाहर निकल जाती हैं। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया निम्न है, 2NO2 प्लस H2O एरो HNO3 प्लस HNO2। आप ज्यादा चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि 3HNO2 एरो HNO3 प्लस 2NO प्लस H2O। उस रिएक्शन को भी आप दे सकते हैं, वो एज यू लाइक आप पर डिपेंड करता है। तो ये जो विधियां हैं, दो विधियां बताई, वर्कलैंड एंड आइड विधि और ओस्टवाल विधि, दोनों विधियों के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का इस प्रकार निर्माण किया जा सकता है। तो बिल्कुल सेम है, और पहले वाला प्रोसीजर एक चैम्बर चेंज है केवल, जो उसमें स्टार्टिंग चैम्बर था, आर्च टावर थी, उसके स्थान पर केवल कैटलिस्ट चैम्बर है, और बीच में से बॉयलर और कूलर को हटा दिया गया, क्योंकि उनका काम था टेम्परेचर को कम करना, यहाँ पर ऑलरेडी ही टेम्परेचर कम है। तो इस प्रकार आप जो है ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।